पिट्टी और थर्ड पार्ट है यहाँ पर एतवाम, एतवाम सेकंड एनिमल फिर टीमा पोस्टमा। यहाँ पर थर्ड पार्ट है इसका पेरिटीमा पोस्टमा का, सर्कुलेटरी सिस्टम से शुरू करते हैं। यहाँ पर यहीं तक छोटा था, सर्कुलेटरी आर द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ एथवाम इज ए क्लोज टाइप कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स कैपिलरीज रेमिफाई ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी एंड ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूड प्लाज्मा एंड कलरलेस कॉर्पोकुलेशंस फिजियोलॉजिकल कंपेयर टू द लेकोसाइट एंड वर्टिब्रेट। जो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा है वर्टिब्रेट की तरह होता है, इसमें लेकोसाइट पाई जाती हैं। द रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है यहाँ पर, रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो कि डिजॉल्व होता है यहाँ पर प्लाज्मा में। इट गिव द रेड कलर ब्लड एंड एड इन द ट्रांसपिरेशन अब ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेड कलर देता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन घुला होता है वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट करके, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स ऑफ पेरिटीमा पोस्टमा में भी कन्वेंटली ग्रुप इनटू द थ्री टाइप। तो ब्लड वेसल तीन टाइप की होती हैं, पर लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एंड इंटरटील प्लेक्सेस। लॉन्गिट्यूडनल फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स है, उसके बाद लेटरल, उसके बाद इंटेस्टाइन। तो जो डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल में पहली ब्लड वेसल थी डोर्सल ब्लड वेसल्स है यहाँ पर, जो कि रिथमिक कंटेक्ट करती है, प्रोवाइड पेयर वाल्व, जिसमें पेयर वाल्व पाए जाते हैं। फिर फर्स्ट बिहाइंड 30 सेगमेंट पर जो डार्सल वेसल्स है वो यहाँ पर ब्लड कलेक्ट करती है, कहाँ से? डार्सो इंटेस्टाइन वेसल से और कमीशल वेसल से और न्यूरो वेसल से। जो डार्सल वेसल है जो कलेक्ट करती है ब्लड डार्सो इंटेस्टाइन से, कमीशल वेसल से और सब न्यूरल वेसल से। और यहाँ पर ये डार्सल वेसल्स है लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स का पार्ट। ये तीन जगह से ब्लड कलेक्ट करती है डार्सल वेसल से, और जो सेगमेंट है 13 सेगमेंट है उसके पीछे, जो 30 सेगमेंट के पीछे की जो डार्सल ब्लड वेसल है वो यहाँ पर 30 सेगमेंट है, उससे पीछे के सेगमेंट है उससे ब्लड वेसल कलेक्ट करती है, जो कि वेसल्स है कमीसरल वेसल्स एंड फ्रॉम द न्यूरल वेसल्स। इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट पर 13 से जो 13 के पीछे सेगमेंट है उससे यहाँ पर कमीशल वेसल से, न्यूरल वेसल से और डोर्सल वेसल से कलेक्ट करती है ब्लड। इन फ्रंट जो आगे के हैं 13 जो सेगमेंट हैं उससे आगे वाले सेगमेंट हैं उससे यहाँ पर ब्लड इंटीरियर जो जाता है आगे की ओर एलिमेंट्री कैनाल से, वो यहाँ पर उसे कहते हैं हार्ट। जो 30 सेगमेंट से फ्रंट वाले जो सेगमेंट हैं उनसे ब्लड फ्रंट को एलिमेंट्री कैनाल में ले जाता है, किसके द्वारा? एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, तो उसे कहते हैं हार्ट। तो 13 सेगमेंट के आगे एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड ले जाता है उसे हार्ट कहते हैं, हार्ट से वेंट्रल वेसल पर। यहाँ पर जो 30 से आगे वाले हैं वो वेंट्रल वेसल कहलाए जाते हैं, वो जो कि एलिमेंट्री कैनाल और एंटीरियर रीजन में ले जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। और जो 13 के 13 सेगमेंट के पीछे वाला जो भाग होता है फिर डार्सल वेसल है, वो डार्सल वेसल यहाँ पर ब्लड है कलेक्ट करता है, ब्लड कलेक्ट करता है न्यूरल वेसल से, कमीशल वेसल से और डॉर्सो कमीशल वेसल से। तो यहाँ पर जो हार्ट है एक्सटेंडेड होता है सेबर गंगलिया डोर्सल फर्किकेट और ब्रांचेस, और जो यहाँ पर जो फैला होता है ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड एट सेगमेंट तक फैला होता है। यहाँ पर परिंजियल जो बल्ब हैं वो यहाँ पर जो डार्सल ब्लड वेसल है वो यहाँ पर क्या करती है,
और डार्सल ब्लड वेसल ब्लड और डिस्ट्रीब्यूट करती है, कलेक्ट भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है? थर्ड सेगमेंट, फोर्थ, फाइव, सिक्स, एट सेगमेंट तक। जो डार्सल ब्लड वेसल है वो सभी को यहाँ पर ब्लड वेसल जो है फिफ्थ, फोर्थ एंड सेकेंड सेगमेंट को सभी को डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड, और कलेक्ट भी करती है यहाँ पर। और ये कलेक्ट करती है ब्लड कहाँ से? ये डिस्ट्रीब्यूट करती है किस फोर्थ सेगमेंट, थर्ड, फिफ्थ, फाइव, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट सेगमेंट। और जो ब्लड सेंड करती है इसोफेगस, पेरिनेफ्रिडिया, पेरिंजियल नेफ्रिडिया, गिजार्ड, इससे बिल्कुल ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये वेंट्रल वेसल्स है, जो कि वेंट्रल वेसल है वो यहाँ पर ब्लड ले जाती है पोस्टरली। डार्सल वेसल है वो कलेक्ट करती है और फिलाव भी करती है। वेंट्रल वेसल प्रिंसिपली, तो डार्सल वेसल है वो यहाँ क्या करती है? डार्सल वेसल कैरी ब्लड थ्रू पोस्टरी। वेंट्रल वेसल है जो ब्लड फ्लो होता है पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड। वेंट्रल वेसल प्रिंसिपली डिस्ट्रीब्यूट वेसल सप्लाई द ब्लड ईच सेगमेंट। वेंट्रो एक्टोमी वेसल्स इंटोमी नेफिडिया बॉडी वाल, तो जो वेंट्रल वेसल है वो इंटोमी नेफिडिया बॉडी वाल सभी के लिए और सेप्टम के लिए ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, लेटल हार्ट वगैरह जो सभी अभी देखे थे। यहाँ पर लेटल हार्ट है, ये लेटल हार्ट है, और 7, 9, 12, 13 ये लेटल हार्ट है। और ये जी यहाँ पर ट्रू हार्ट बोले जाते हैं लेटल हार्ट, क्योंकि ये डार्सल से, ये डार्सल वेसल है, ये डार्सल वेसल है, ये वेंट्रल वेसल है। तो ये डार्सल वेसल वेंट्रल वेसल से जो 9-3 है वो जुड़े होते हैं, यहाँ पर 9-3 बोले जाते हैं डार्सल वेसल। ये डार्सल, ये वेंट्रल वेसल है, ये डार्सल वेसल है, ये डार्सल वेसल और ये वेंट्रल वेसल्स। तो यहाँ पर हार्ट हैं 7, 9, 12, 13 लेटल हार्ट बोला जाता है। और रिपोडोटी आर्गन बिहाइंड द 13 सेगमेंट ईच वेंट्रो सेगमेंट और इसमें ब्रांच सेप्टो ब्रांच सप्लाइंग द सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टो ब्रांच सप्लाई द सेप्टल नेफ्रिडिया पैसिडियर ईच सेगमेंट बिहाइंड द 13 वेंट्रल वेसल्स गिव अप मीडियन वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल्स। लेटल इसोफेगल वेसल, दीज आर द टू वेसल्स लाइंग वन ईच अदर। लेटल इसोफेगल वेसल टू होती हैं, पर टू वेसल्स लाइंग ऑन ईच लाइंग ऑन अदर टू वेंट्रल साइड्स रनिंग कट टू वेंट्रल बॉडी ऑफ 13 सेगमेंट। तो लेटल इसोफेगल है वो 13 सेगमेंट तक आती हैं, एंटीरियर तक आगे की ओर होती हैं 13 से। दीज आर रिसीव वेंट्रल इंटोमेटरी वेसल्स कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द सेप्टा नेफिडिया। तो जो इन वेंट्रो इंटोमेंट वेसल्स है वो यहाँ पर कहाँ से ब्लड? नेफिडिया से, सेप्टा बॉडी वाल, सेप्टा नेफिडिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लड जो है कलेक्ट करती है वेंट्रल इंटोमेटरी वेसल्स। और फ्लाइंग पोस्टरली सम ब्लड वेसल सुपरा इंसोफ, जो ब्लड फ्लाव करती है पोस्ट पीछे की ओर सुपरा इसोफेगल वेसल से पेयर ऑफ द एंटीरियर लूप तक। जो एंटीरियर लूप 10-11 सेगमेंट पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लाव ब्लड होता है पोस्टरली कहाँ तक? सुपरा इसोफेगल से एंटीरियर लूप तक, जो कि 10-11 सेगमेंट पर पाए जाते हैं एंटीरियर लूप। थ्रू द सेवरल रिंग्स रनिंग थ्रू द बाल ऑफ स्टोमच, जो कि यहाँ पर सेवरल रिंग है बाल ऑफ स्टोमच से वहाँ तक रन करती है पीछे की ओर। सुपरा न्यूरल सिलेंडर वेसल्स रन वेंट्रली वेन एट द कॉर्ड मिडल पोजीशन एक्सटेंडेड 14 टू पोस्टीर एंड फॉर्मेड बाय द यूनियन ऑफ लेटरल इसोफेगल वेसल्स। फिलाव ब्लड इन फॉर्मिंग फ्रंट बैकवर्ड टू इट कलेक्टिंग वेसल एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेंट्रल नर्व एंड
वेंट्रल बॉडी इज द सेगमेंटेड थ्रू द पेयर ऑफ स्मॉल ब्रांचेज इट पावरिंग ब्लड पेयर ऑफ द कमिसुरल इज सेगमेंट इनटू द डोर्सल वेसल्स सुप्रा इसोफेगल वेसल्स इट इज अ शॉर्ट थिन बॉडी कलेक्टिंग ब्लड फिल्म लाइंग मिडडोर्सली अबव द स्टोमच 9-13 सुप्रा इसोफेगल वेसल्स है तो यहाँ पर ये ब्लड कलेक्ट करती है जो कि 9-13 सेगमेंट पर पाई जाती है ब्लड कलेक्ट करती है लेटर इसोफेगल से लेटर इसोफेगल थ्रू द टू पेयर ऑफ द एंटीरियर लूप एंड वेंट्रल वेसल्स टू पेयर एंटीरियर लूप होते हैं और वेंट्रल वेसल्स से ब्लड कलेक्ट करती है सुप्रा इसोफेगल वेसल्स जो 9-13 सेगमेंट होते हैं यहाँ पर करेक्ट कनेक्ट रहते हैं लेटरल इसोफेगस और लेटरल इसोफेगल बेसल से टू पेयर एंटीरियर लूप को जो कि वेंट्रल बेस थ्रू द वेंट्रल बेसल टू पेयर ऑफ द लेटरो इसोफेगल हार्ट टू पेयर लेटरो इसोफेगल हार्ट से कलेक्ट करती है ब्लड कनेक्ट यहाँ पर 9-13 कनेक्ट रहते हैं इसोफेगल बेसल से जो कि टू पेयर एंटीरियर लूप एंड वेंट्रल वेसल्स जो लेटरल इसोफेगल है वो लेटरल इसोफेगल वेसल्स है वो कनेक्ट रहती है किससे एंटीरियर लूप से और टू पेयर यहाँ पर लेटरल इसोफेगल हार्ट से इसोफेगल वेसल से और लेटरल इसोफेगल हार्ट से कनेक्ट रहती है एंटीरियर लूप से टू पेयर एंटीरियर लूप से और टू पेयर और लेटरल इसोफेगल इसोफेगल हार्ट से कनेक्ट रहती है इसोफेगल लेटरल और इसोफेगल वेसल्स टू पेयर इसोफेगल हार्ट से और टू पेयर एंटीरियर लूप से एट द प्लेस डिवाइड इनटू द सेपरेट वेसल्स रीयूनिट सिंगल वेसल्स इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द स्टोमच गिजार्ड एंड लूप्स लेटरल इसोफेगल पंप इनटू द लेटरल इसोफेगल हार्ट इनटू द वेंट्रल वेसल्स लेटर आर द ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स तो यहाँ पर ये 13 सेगमेंट रहती हैं 13 सेगमेंट पर रहती हैं लेटरल या वेंट्रल वेसल्स लेटरल या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन वेसल्स जो 30 सेगमेंट तक रहती हैं पोस्टरली जो कि इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और हार्ट जो है यहाँ पर हार्ट बोला जाता है यहाँ पर 7, 9 एंड 12 और 13 फाउंड सेगमेंट पर जो कि पेयर में होते हैं ए पेयर लार्ज मस्कुलर थिक रिथमिक कंट्रेक्शन वर्टिकल वेसल्स कॉल्ड हार्ट दे पंप ब्लड फ्रॉम द डोर्सल ब्लड वेसल डोर्सल टू वेंट्रल यहाँ पर ये डोर्सल होता है नीचे वेंट्रल होता है तो इस तरह से पंप करते हैं तो हार्ट है ये इस तरह से तो ये डोर्सल है ये वेंट्रल है तो डोर्सल से वेंट्रल पर पंप करता है ब्लड और जो कि प्रिवेंट किया जाता है इंटरनल वाल्व से हार्ट 7th and 9th सेगमेंट कनेक्ट डोर्सल हार्ट जो 7th और 9th सेगमेंट का है वो यहाँ पर डोर्सल एंड वेसल डोर्सल वाला है जो वेंट्रल वेसल से कनेक्ट रहता है तो ओनली कॉल द लेटरल हार्ट इन्हें यहाँ पर केवल लेटरल हार्ट बोला जाता है 9 और 7 वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पर दौड़े रखता है लेटरल को लेटरल ब्लड वेसल को लेटरल हार्ट को वेंट्रल हार्ट से तो इसे कहते हैं लेटरल हार्ट 2012th and 13th सेगमेंट आर कनेक्ट बोथ डोर्सल एंड सुप्रा तो 9th और 9th जो था वो यहाँ पर वेंट्रल से डोर्सल ब्लड वेसल हार्ट था 9th और 7th सेगमेंट वाला जो हार्ट था वो यहाँ पर डोर्सल हार्ट था वो वेंट्रल हार्ट से जुड़ा था जिसे हार्ट कहते हैं और जो 13 सेगमेंट है वो यहाँ पर डोर्सल वाला है जो कि जुड़ा होता है सुप्रा इसोफेगल वेसल से और डिजाइनेटेड लेटरल इसोफेगल हार्ट जो कि इसे बोला जाता है लेटरल इसोफेगल हार्ट क्योंकि जो सुप्रा इसोफेगल से जुड़ा रहता है एंटीरियर लूप आर देयर द पेयर ऑफ वन एंटीरियर लूप यहाँ पर वन पेयर होता है
जो कि पल्सर नॉन पल्सेटाइंग नॉन मस्कुलर लूप होता है, जो कि बोर्ड वेसल्स होता है विदाउट बाल, वो इसमें बाल भी नहीं पाए जाते हैं। एंटीरियर लूप होता है एक पेयर, जो कि नॉन पल्सेटाइल और नॉन मस्कुलर लूप होता है, जो यहाँ पर 9th और 10th और 11th सेगमेंट पर पाया जाता है। एंटीरियर लूप ना तो बाल इसमें पाए जाते हैं ना पल्सर करता है। दीज वेसल्स नाउनस एंटीरियर लूप, इन्हें एंटीरियर लूप कहा जाता है। कन्वे ब्लड, यहाँ पर ये ब्लड ले जाता है। कन्वे ब्लड फ्रॉम लेटर इसोफेगल इनटू द सुप्रा इसोफेगल वेसल्स, लेटरल इसोफेगल से सुप्रा इसोफेगल वेसल में ले जाता है ब्लड। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसका, और डायमीटर हार्ट का, ये यहाँ पर ए वाला लेटरल हार्ट है, ये लेटरल इसोफेगल हार्ट है। चित्र ए है, जो डायग्राम ए है, ये लेटरल हार्ट है और ये लेटरल इसोफेगल हार्ट है।